नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारे हिस्ट्री बुक्स, हमारे टीचर्स, हमारे सिलेबस हमेशा एक ही चीज कहने की कोशिश करते हैं कि मुगलों ने हमारे इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट किए थे, अकबर द ग्रेट कितने अच्छे थे, सेकुलरिज्म के प्रतीक थे, बाबर कितना बेचारा था कि कॉन्क्वेस्ट के 5 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई, शाहजहां कितने अच्छे थे कि अपनी बीवी के लिए इन्होंने ताजमहल बनवा दिया। ये तो क्या, हमें औरंगजेब की भी तारीफ सुनने को मिलती है। देखा जाए तो मुगलों के एंटायर शासन के पीरियड में सिर्फ 150 साल ही थे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन उसी के कंटेम्पररी जो दूसरे डायनेस्टी थे, जैसे कि मराठा डायनेस्टी, नॉर्थ ईस्ट के अहम डायनेस्टी, त्रिपुरा के माणिक्य डायनेस्टी, साउथ इंडिया के विजयनगर एम्पायर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सिख एम्पायर, इनके मेंशन अगर आपको अपने हिस्ट्री बुक में 2 लाइन से ज्यादा मिल जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में हम मुगलों ने कितने अच्छे काम किए थे उनके मिथ बस्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ मुगलों का हमारे कल्चर, हमारे समाज पे क्या इफेक्ट हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। सब कहते हैं कि मुगल जो थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि मुगलों से पहले हमारे भारत में कितने साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ करते थे? तो जानते हैं कि मुगल पीरियड के दौरान भारत में क्या क्या इन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर है नेग्लिजिबल। मुगल पीरियड में कोई भी एमिनेंट साइंटिफिक इन्वेंशन हुए ही नहीं थे। कहा जा सकता है कि ये पीरियड साइंटिफिक डिस्कवरीज के हिसाब से सबसे डार्क पीरियड था, और अपना आर्किटेक्चर भी इन्होंने कैसे डेवलप किया था वो तो आप लोगों को पता ही है। कहा जा सकता है कि इन लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी थी कि कैसे किसी के प्री एग्जिस्टिंग मंदिर के ऊपर अपना टोम फिट किया जा सकता है। ये हो गया इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और जिन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने इंडिया में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाई थी, आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग चंद्रगुप्ता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात। अब आते हैं कि मुगलों की वजह से हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर पर क्या क्या इफेक्ट हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। आप में से शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि सती प्रथा जो है वो एक क्षत्रिय या फिर एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है। साहब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है, किसी भी बाखुशी में जलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथ को देखें तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि विधवाओं के साथ ऐसा कोई भी अत्याचार हमारे किसी भी वेदास उपनिषद में मेंशन नहीं है। हम लोग महाभारत में भी देख सकते हैं कि कुंती जो थी वो विधवा थी और ससम्मान के साथ अपनी जिंदगी उन्होंने बिताई। लोगों के मन में कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब हम लोग दुर्गा के सती रूप को सती प्रथा के साथ कंपेयर करते हैं। दुर्गा ने सती का रूप धारण किया था अपने गुस्से की वजह से। सती का रूप उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि उनके पति यानी महादेव का असम्मान हुआ था। उनको समाज ने किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया आग में खुद को झोंकने के लिए। इसीलिए अगर आपको नेपाल या फिर मध्य प्रदेश के कोई भी टेम्पल के उदाहरण दिए जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन से सती की बात की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से सती प्रथा को डिसमिस कर रही हूँ। सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि इन जगहों से ही इस्लामिक इन्वेशन सबसे ज्यादा हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से बचने के लिए रानी पद्मावती ने घर में उपस्थित बाकी महिलाओं के साथ एक साथ जौहर कर लिया था, तो वह उस वक्त एक एग्जाम्पल बन गया कि कैसे मुगलों के हाथ से अपने घर की महिलाओं का सम्मान कैसे बचाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल एक कल्ट का रूप धारण कर लिया। तो ये वाली बात नॉर्थ वेस्ट इंडिया से पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलने लगी। बंगाल में भी यही हाल था। धीरे धीरे लोग बहू बेटियों की मर्जी पूछे बिना ही उनको आग में झोंकने लगे, और ये एक सम्मान का प्रतीक बन गया। लोग भी यही चाहते थे कि उनकी बीवी उनके बाद सती बन जाए, ताकि उनको दोबारा शादी करने का मौका ना मिले या फिर पति के द्वारा पीछे छोड़े गए धन संपत्ति को भी वो भोग ना कर सके। इसी तरह से मुगलों से बेटियों को बचाने के लिए जो चीज शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक कल्चरल न्यूसेंस में बदल गया।
दूसरा इन्फ्लुएंस है लड़कियों को पर्दे में रखना। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लड़कियों को पर्दे में रखा जाए। ये हमारे कल्चर में था ही नहीं। जो राजपूत लड़कियां होती थी वो हमेशा ही तलवारबाजी और दूसरी रणनीति की शिक्षा लेती थी। यहाँ तक कि अगर आप नोटिस करेंगे तो आधी नारी शिवा का जो रूप है उसमें आप लोग आधे शिव और आधी शक्ति का स्वरूप देख सकते हैं। ये यही डिपिक्ट करता है कि नारी और पुरुष एक समान है। यहाँ तक के टेम्पल कार्विंग्स में भी हम लोगों को ऐसा कोई भी लड़कियों को पर्दे में रखने वाला सिंबल नहीं दिखता है। अगर समाज में ये तब चल रहा होता तो हमें जरूर किसी न किसी मंदिर पे ऐसे चित्र दिखते। लड़कियां तालाब वगैरह में नहाने के लिए भी जाया करती थी। इसका एग्जांपल आपको गोपियों के जमुना के नहाने से भी मिल सकता है। तो इससे काफी क्लियर हो जाता है कि हमारा समाज काफी ओपन माइंडेड था। लड़की को अंदर महल में रखना है और लड़के को बाहर भेजना है ऐसी कोई भी मैंडेटरी चीज हमारे कल्चर में थी ही नहीं। अंदर महल और बाहर महल का सिलसिला तब शुरू हुआ जब यहाँ पे इस्लामिक इन्वेशन हुआ। आगरा फोर्ट में अगर आप गए हो तो शायद आपको गाइड ने बताया ही होगा कि वहाँ पे जो स्क्वायर्स मेन कोर्ट यार्ड पे बने हुए हैं, उन स्क्वायर्स में जो मुगल किंग्स थे वो लोग बोर्ड गेम्स खेलते थे, जहाँ पर वो लोग लड़कियों को अलग अलग रंग के कपड़े पहनाकर एज अ घोटी यूज करते थे। द वुमेन वॉज जस्ट अ पीस ऑफ अम्यूजमेंट फॉर देम। शाहजहां क्लेम करते थे कि मुमताज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुमताज से शादी करने के लिए उसके पति को उसने मार डाला और फिर मुमताज के मरने के बाद वो उसकी बहन से शादी कर लेता है और मुमताज जो थी वो तो बेचारी बच्चे पैदा करते करते ही गुजर गई। इसीलिए हमें ऐसा फील होने लगा कि हम लोगों को हमारे घर की महिलाओं को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या पता कब कौन उनको उठाकर ले जाए। मतलब पुरुष और महिला के बीच में ऑटोमेटिकली एक डिविजन क्रिएट हो गया। एज अ होल वी कैन से दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वाज डिमिनिश्ड। लड़कियों को जो सम्मान हमारे समाज में मिलता था उस पर आघात हो गया। जब लोगों ने देखा कि इन लोगों की मल्टीपल पत्नियां हैं और हजार हजार बच्चे हैं, तो फिर बाकी लोगों में भी लस्ट ही एक मेन मोटो बन के रह गया। लॉस ऑफ लिटरेचर, ऐसे बहुत सारे किताबें थी जो मुगलों ने जला दी, नष्ट कर दी। ऐसी किताबों का एक एग्जाम्पल है आगमास। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे अच्छे बुक्स खो दिए जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और आगे चल के जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे। डिस्ट्रॉइंग रिलीजियस प्लेसेस, अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मुगलों ने अच्छा काम किया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुतुब मीनार के आसपास और उसके नीचे मंदिरों का स्ट्रक्चर देखते हुए भी हिस्टोरिकल एविडेंस को आंख बंद करके नकार देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर के वर्डिक्ट आने के बाद भी सोचते हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जब मस्जिद बन ही चुकी थी तो उसको गिराने की जरूरत नहीं। और ये है हमारे प्यारे लिबरल्स। इन मुगलों के जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो सारे के सारे हमारे मंदिरों के ऊपर ही बने हैं। इन्होंने सिर्फ हमारे मंदिर को ही नहीं, हमारे भगवान, हमारे विग्रह को भी नष्ट कर दिया। More beautiful, older temples, like the way we saw in South India. So, and the guide said, no, we don't have any. And there is one temple called Yogmaya, which is a very small temple. So, then they said that Delhi was a Hindu city, right? We have seen mosques which are few hundred years old. For example, Jama Masjid is almost 300 years old. We have seen other mosques, Sunahri Masjid, this Masjid, but we don't see any medieval temples. So does it mean that Hindus did not create any, build any medieval temples? For centuries we did not build any big temple. The temples were small because there was a rule that the spire of a temple should not be seen, right? Then they asked, and I still remember, then you mean to say that you were second class citizens in your own country? I discussed with my father. My father was a school teacher and he said, we don't talk about such things. Don't talk about this, right? So I said, Baba, is it true that we did not build any big, large temple for almost 800, 900 years because people must have been scared that if they built it, it would, no. He said, yeah, probably not. But he said, don't talk about this, don't discuss this with anyone. And I was surprised that why we are even so scared right now? Basically, इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे religious belief को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आने वाली पीढ़ी इतनी दबंग होगी कि हम लोग मिलकर इनको धूल चटवा के ही छोड़ेंगे।
और जो जो गलत काम इन्होंने किए हैं वो सारे रिवर्स होंगे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लड़कियों के साथ इतने अत्याचार होने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो फेमिनिस्ट्स हैं वो इनके बारे में क्यों नहीं बोलती, उनके जुबान पे क्यों लकवा मार जाता है। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स जो मुगल के आने के बाद हमारे कंट्री में हम लोगों को देखने को मिले। अगर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर फैलाएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी कुछ रीसेंट वीडियोस से लोगों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा निशाना बिल्कुल सही जगह पे लग रहा है। तो आप लोगों को मेरा एक ही कहना है कि आप चाहे हम लोगों की आवाज़ जितनी भी दबाने की कोशिश करें, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।